हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यदि हमने एयरटेल या एयरटेल थैंक्स ऐप पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और उस पर हमने एयरटेल पेमेंट बैंक को एक्सेस किया हुआ है तो हम कैसे वर्चुअल डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड जो एयरटेल का होता है उसे कैसे हम एयरटेल ऐप से डाउनलोड करते हैं या फिर कैसे उसे देखते हैं। तो उसके लिए हम एयरटेल या एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करेंगे। यह ऐप ओपन हो चुका है। उसके बाद साइड में कॉर्नर पे मोर का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है बैंकिंग, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पर माई वर्चुअल डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एम पिन एंटर करेंगे जो हमने एयरटेल पेमेंट बैंक क्रिएट करते समय बनाया था, और देखिए ये हमारा डेबिट कार्ड सक्सेसफुली आ चुका है। तो ये डेबिट कार्ड हमारा एयरटेल डेबिट कार्ड है और इसे मास्टर कार्ड भी हम कह सकते हैं। तो इसके थ्रू हम जो रियल डेबिट कार्ड होता है जो पेमेंट करते हैं, इसके थ्रू भी वैसे ही हम पेमेंट कर पाएंगे क्योंकि इस पर एक्सपायरी वैलिड और CCV सभी तरह के नंबर दिए हुए हैं और हमारे फ़ोन पर OTP आएगा, यानी एयरटेल ऐप पर भी OTP आएगा और फ़ोन पर भी, और उसके थ्रू हम OTP एंटर करने के बाद किसी भी पेमेंट को सक्सेसफुली पे कर सकते हैं।